82 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। गुरुग्राम के मेदांता में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ली अंतिम सांस। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से समाजवादी पार्टी में पसरा सन्नाटा। नहीं रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। अंतिम सांस सपा संरक्षक व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हुई मौत। 22 अगस्त को किया गया था वेदांता अस्पताल में भर्ती। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। मेदांता के एक डॉक्टरों का पैनल कर रहा था मुलायम सिंह यादव का इलाज। सपा संरक्षक को दी सभी राजनीतिक दलों ने श्रद्धांजलि। नेताजी की याद में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे, जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी, जनता के लिए काम किए। उनका उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उन्हें बहुत ही अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, सादर नमन। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली, स्तब्ध हो इससे। आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। नेताजी उन्हीं में से एक थे। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उनसे। प्रेरणा थे वो बहुत लोगों के लिए। हमारे तो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस क्षति को सहने का संबंध है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूर्ण क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। आज की खबर हम सब के लिए चौंकाने वाली है कि हम सब के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हाथ हम सबके सर से उठ गया है। अल्लाह ताला उनको स्वर्ग में जगह दे, उनके परिवार को सबर करने की तौफीक अता करे। 1993 से हमारा नेताजी का रिश्ता जुड़ा,
जब वो पहली बार हमारे पिताजी के कहने पे राष्ट्रपति भवन में आए थे, जब उनको कानपुर लेदर की तरफ से उनका स्वागत करा गया, 1994 में नेताजी ने मेरे पिताजी को नगर अध्यक्ष बनाया और 1996 में पहली बार कानपुर के हर नगर से टिकट दिया, और जब से लेके अब तक मेरे पिताजी और हम एक परिवार की तरह नेताजी और अखिलेश जी के साथ रहे। बहुत अफसोस की बात है कि नेताजी आज इस दुनिया से चले गए। ऐसा लगता है कि 2006 में हमने अपने वालिद को खोया था और आज वालिद की तरह नेताजी भी इस दुनिया से चले गए। हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गहरा सदमा है। अल्लाह ताला नेताजी के परिवार को और ख़ास तौर से अखिलेश जी को इस दुख के समय में निकलने की तौफीक दे, क्योंकि नेताजी की भरपाई कोई कर नहीं सकता। नेताजी के बारे में कहा जाता था नेताजी धरती पर मुलायम सिंह यादव जी, जो एक बार नेताजी से मिल लेता था भले वो 10 साल बाद भी जाए तो नेताजी उसको नाम से बुलाते थे। कई बार के मौके ऐसे हैं कि कानपुर शहर में